बायोब्लास्ट में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक क्या है हमारा? एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। ओके, और टॉपिक में आगे प्रोसीड होने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है ना ऑर्डर में आ गए हैं थोड़ा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ऑर्डर में आने का मतलब है आप लोग पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है, हाउ, वाई तो आपको पता है क्यों करनी है, ठीक है, वाई आपको पता है कि भाई सिलेक्शन लेना है, लेकिन कैसे करनी है ये आपने समझ लिया है, और कैसे करनी है उसको आपने पार्ट में डिवाइड कर लिया है कि भैया आप कैसे कैसे चीज़ों को प्रोसीड करेंगे ताकि आपके प्रिपरेशन जो है फिनिशिंग लाइन तक पहुँच सके। और अगर नहीं आए हैं ना ऑर्डर में तो प्लीज़ जल्दी आइए, क्योंकि टाइम अगर आपको लग रहा है कि बहुत है अभी, तभी तो पूरा साल बचा है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि जो मेजर टेंशन होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की वो अभी बाकी है। बायोलॉजी की टेंशन तो ठीक है, आपको लगता है आसान, फिर भी गलतियाँ करते हैं, और उसकी टेंशन मैं भी ख़त्म कर रहा हूँ एक तरीके से, और बाकी एजुकेटर भी कर ही रहे हैं, आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा क्या है कि मैं थोड़े आराम से पढ़ाता हूँ, कहीं पे कोई डाउट ना बचे, ठीक है। अगर बच्चा ढंग से मेरे लेक्चर्स को वॉच कर रहा है तो उसको डाउट नहीं होगा। हाँ, लेक्चर आप खाली लेट के टीवी देखने की तरह वॉच करेंगे तो फिर कहानी नहीं बनेगी। सो प्लीज़ ऑर्डर में आइए थोड़ा। चलिए, एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं हम। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में अगर नहीं होगा तो क्या लगता है आपको कि इकोसिस्टम सस्टेन करेगा? आप न दो चार दिन पाँच दिन न खाना मत खाइए, फास्ट रह लीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं, दो चार दिन खाना मत खाइए, फास्ट रहिए, उसके बाद अपने बॉडी की एनर्जी को एनालाइज करिए कि एनर्जी कम हुई है या एनर्जी बढ़ी है या एनर्जी कांस्टेंट है, समझ रहे हैं कि नहीं? एनर्जी ऐसे ही चेक होगा। और ये सोचिए कि क्या आप बिना खाए, मतलब आपने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट टेक द फूड इनटेक, ठीक है, यू डिड नॉट ईट एनीथिंग, यू डिड नॉट ईट एनीथिंग, एंड उसके बावजूद भी एनर्जी पूरी मेंटेन है। बस एनालाइज करिए चीज़ों को, मैं पूरी कहानी बताता हूँ। जैसे आप इस समय सन धूप तो बहुत तेज निकल रही है, आप धूप में खड़े होकर 10 मिनट देखिए, क्या आप डायरेक्टली धूप से एनर्जी ले पा रहे हैं क्या? ऐसा है क्या कि डायरेक्ट आप सनलाइट से एनर्जी खुद ले ले रहे हैं? अगर ऐसा है तब तो आपको खाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, आपके बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म या ऐसा सिस्टम नहीं है जो सनलाइट को ट्रैप कर सके, ठीक है। सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है इसको ट्रैप करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में ऐसा सिस्टम नहीं है जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर सके, और जब तक ट्रैप नहीं होगा तब तक ये एनर्जी जो है ना आप यूज नहीं कर सकते हैं, नॉट यूजेबल, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि भाई सनलाइट से हमको विटामिन डी मिल जाता है, विटामिन डी इज अ वाइटामिन, इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, पता है कि नहीं? ये न्यूट्रिएंट नहीं है, इट्स अ विटामिन। इसका रोल है माइक्रो न्यूट्रिएंट या ट्रेस एलिमेंट की तरह बॉडी में होता है, इसका फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हेल्प करता है एक्चुअली में दूसरी चीज़ों के लिए। सो ये सनलाइट ट्रैप कौन करता है? सनलाइट ट्रैप करने के लिए हमारे इकोसिस्टम या पूरे बायोस्फीयर में एक अलग टाइप के जो है ना ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिजम्स में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल होता कहाँ है? ये क्लोरोफिल यूजुअली आपको लीव्स में देखने को मिलेगा, स्पेशली ग्रीन प्लांट में या साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, पहले ये एल्गी ही था, एल्गी की कैटेगरी में था, लेकिन अभी ये बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया कैटेगरी में आ जाता है, तो इसको साइनोबैक्टीरिया हम बोलते हैं। दे कैन ऑल्सो ट्रैप दी सनलाइट एनर्जी, और उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं किसमें? फूड में। किसमें करते हैं?
फूड में या यही बायोमास जनरेशन है, हमने पहले पढ़ा है। क्या है ये? प्राइमरी प्रोडक्शन। ये क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? खाना या फूड बना रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स या साइनोबैक्टीरिया, इनको क्या बोला जाता है? दे आर दी प्रोड्यूसर। अभी हम पीछे पढ़े हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या है, जो फूड बना रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, और भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये फैला हुआ है हमारे नेचर में, मतलब एटमॉस्फेयर में है ये, ठीक है। अभी कितना है, कितना है? 0.03 हो गया है, 0.3 है, 0.03। बताइए कितना पीपीएम या क्या है? अराउंड 400 पीपीएम पहुंच गया है, अराउंड 400 पीपीएम। इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए लेकिन पहुंच गया है। शुरुआत कहाँ थी? अराउंड 280 से लेके अभी ये बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम कार्बन इमिशन बढ़ाए जा रहे हैं, इसका निगेटिव इम्प्लीकेशन है क्लाइमेट चेंज और चीज़ों पर। फिर भी इसका इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटो। फोटो का मतलब लाइट होता है, पता है ना? फोटो का मतलब फोटोन, ठीक है। फोटो का मतलब फोटोन, फोटोन पैकेट होते हैं, एनर्जी पैकेट, ठीक है, एनर्जी पैकेट्स। तो फोटोसिंथेसिस मतलब फूड का बनना या फूड फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ फूड या सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली और शुगर इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड CO2। इसके साथ वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इनको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं अभी फिलहाल, हम केवल सनलाइट पे फोकस किए हैं। तो ये क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करके, ठीक है, बायोमास में कन्वर्ट करते हैं, फूड में कन्वर्ट करते हैं। और उस फूड को कौन कंज्यूम करता है? जो कंज्यूमर होता है, इसीलिए नाम उसका हो जाता है क्या? कंज्यूमर, जो उसको खाता है। तो समझ रहे हैं एनर्जी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है? अब इसी फूड को खा के आपको एनर्जी मिलती है, धूप में खड़े होकर आपको एनर्जी नहीं मिलती है। तो प्लांट्स आर ट्रांसफरिंग द एनर्जी। यहाँ पे कौन आएगा बीच में? प्लांट्स आएंगे, मीडिएटर हैं ये, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं? एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं ना, ट्रैप कर रहे हैं एनर्जी को, और फिर क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं भैया? कंज्यूमर्स को, समझ रहे हैं, कंज्यूमर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहां से वापस एनर्जी इसी फॉर्म में नहीं जा रहा है कि फिर से एनर्जी वापस कंज्यूमर प्लांट को दे दिए और फिर से ये सनलाइट को, ना भाई ना, ऐसा ना होता है, ठीक है। सो एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। और ये प्रोसेस जो है ना, एक्चुअली में जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडाइनेमिक्स का, केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पे हम पूरा लॉ नहीं समझाने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। डायनेमिक्स ये क्या बोलता है? बहुत बेसिक सा है। क्या बताता है? एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। कहता है ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो यहाँ लाइट एनर्जी थी, लाइट एनर्जी को इन्होंने कन्वर्ट किस में कर दिया भाई? फूड बना के वहाँ एनर्जी को ट्रैप कर लिया, और ये खाना खा के आपको या कंज्यूमर्स को एनर्जी मिली यहाँ से, ठीक है। और सारा प्रोसेस चल रहा है, यहाँ से कहाँ जाएगा एनर्जी? डिकम्पोजर के पास जाएगा, और यहाँ से एनर्जी जो होगी क्या होगी? डिसिपेट हो जाएगी। कहाँ? इन्वायरमेंट में, नेचर में, ठीक है। एनर्जी कभी लॉस नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे मोमेंटम कंजर्व होता है, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे ना मोमेंटम, वैसे यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन होता है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? E=mc² यही है। ओके, चलिए पहला लॉ को फॉलो कर रहा है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, इसकी रिसाइक्लिंग नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा भाई, अभी आएगा ये सब। रिसाइक्लिंग नहीं होती है, एनर्जी नेवर रिसाइकल, ठीक है।
अब सनलाइट से 100% रेडिएशन जो आ रहा है उसमें से 50% रेडिएशन जो होता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। कहने का मतलब क्या है, जितना भी सोलर लाइट इंसिडेंट हो रही है इस बायोस्फीयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम में, उसमें से 50%, ये जो 50% है, ठीक है, 50% जो है अराउंड, मतलब ये लिखा है ना लेस देन 50%, तो अराउंड 50% या लेस देन 50% क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मीनिंग समझ में आया, इसको पार बोलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इकोसिस्टम या पूरा जो इकोलॉजी वाला सेक्शन है ठीक ठाक पोर्शन आता है यहाँ से। मैं इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, प्लीज डू फोकस। ओके, वी नो दैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसमें जो ऑटोट्रॉफ है, इसमें हमने बोला था क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। देखिए आपके पढ़ाने में हमारा लग रहा है पेंट है ना, बड़ा रफ हो गया है शायद, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या था, बेसिकली CO2 था भाई, उसके साथ और क्या था, वाटर था। प्लांट्स कैप्चर ओनली 2-10% ऑफ द पावर, ये ध्यान रखिएगा, टोटल अवेलेबल एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो 100% है, उसमें से 50% अराउंड, मतलब लेस देन 50% पावर होता है, मतलब इसी रीजन में केवल जो लेस देन 50% है ना, इसी में केवल फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, बाकी में नहीं पॉसिबल है, ठीक है। उसमें से भी जो प्लांट कैप्चर करते हैं वो कितना करते हैं, केवल 2-10%। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जस्ट रिमेम्बर दिस, याद रखिएगा। सोचिए केवल 2-10% के बीच में एनर्जी कैप्चर होता है, और पूरे बायोस्फीयर में जितनी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितनी डाइवर्सिटी है अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ बायोस्फीयर पे, अर्थ प्लैनेट पे, पूरी लाइफ को ये सस्टेन कराता है 2-10% ओनली। क्लियर है, ये लेस देन 50% का 2-10% है, तो टोटल का ये और कम हो जाएगा, टोटल का कितना हो जाएगा, लगभग 1-5% के बीच में हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाई प्लांट फ्लोज थ्रू द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये हम पढ़ेंगे कैसे होता है, जो फूड चेन का कॉन्सेप्ट है, ट्रॉफिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसी में आएगा, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स। अभी हमने बताया कि फूड को ट्रैप, मतलब एनर्जी को ट्रैप कौन करता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये, ठीक है। तो सारे ऑर्गेनिज्म जो इसके बाद आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ प्रोड्यूसर्स हैं, तो इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं तो या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो इसके ऊपर या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो। मान लीजिए जो प्राइमरी कंज्यूमर है, या इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ठीक है, ये तो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इसके आगे वाले जो हैं भाई, जो कॉर्निवोर की कैटेगरी में आते हैं, जो ओमनीवोर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे हम लोग भी हैं, टाइगर लायन और सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो कॉर्निवोर है, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है क्या प्लांट के ऊपर? नहीं भाई, वो पौधा खाते ही नहीं है, वो किसके ऊपर है, पौधे को खाए पहले खरगोश, पौधे को खाए पहले रैबिट, पौधे को खाए पहले गोट, पौधे को खाए पहले डियर, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। जो हर्बीवोर्स होते हैं ये पहले खा लें, खा के अपना बायोमास डेवलप कर लें, उसके बाद हम धीरे से इनको लपकेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, यही कहानी है। तो ये ऑर्डर यहाँ से शुरू हुआ, सन, सन से प्लांट, प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी प्रोड्यूसर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर एंड ऑफ ऑनवर्ड, ये ऐसे ट्रांसफर होता है। कहानी क्लियर हुई, कुछ हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो अभी आगे और होती जाएगी, ठीक है, आगे और हो जाएगी। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है 10-15 मिनट, तो ये मत सोचिए कि अरे लंबा हो गया, भाई पढ़ना है आपको, रेडी करना है, ठीक है, आपको रेडी करना है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्लियर है कि नहीं। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे डिपेंडेंट अपॉन दी प्रोड्यूसर्स ओनली, क्लियर है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो हमने बता दिया कि एनर्जी जो होती है यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यूनिडायरेक्शन में फ्लो करती है, मतलब एक डायरेक्शन में चल रही है, किधर से, इधर से सन, सन से प्लांट या प्रोड्यूसर, इससे फिर कंज्यूमर, इसी डायरेक्शन में चल रहा है ना भाई, उल्टा नहीं चल रहा है, रिसाइकलिंग नहीं हो रही, यहाँ से नहीं हो रहा है कि इधर आ जाए, या तो इधर आ जाए, या तो इधर से इधर ऐसे हो जाए, ना ये प्रोसेस नहीं चल रहा है, केवल ये प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं यूनिडायरेक्शनल। लेकिन जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है ना, जिसको पढ़ना नहीं है हमको यहाँ पे, लेकिन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बाई डायरेक्शनल होती है या रिसाइकल होता है वो, इसीलिए उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ठीक है।
यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस एंड देन टू कंज्यूम, इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो है ना भाई, एनर्जी कंजर्व होती है और एनर्जी एक डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करती है, तो है ठीक है। फर्स्ट लॉ हमने बता दिया है, और नहीं समझ में आया तो और थोड़ा पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा। फर्दर पहले लॉ का हमने बता दिया, और दूसरा भी ये बोल रहा है कि इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट, बोल रहा है कि एग्जेम्प्टेड नहीं है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से। ठीक है, लीजिए भैया, केमिस्ट्री का दूसरा प्रिंसिपल भी आ गया। अब ये क्या बताता है, केमिस्ट्री का दूसरा प्रिंसिपल क्या बताता है बताइए? ये इंट्रोपी की बात करता है, ठीक है, इंट्रोपी की। मतलब कोई भी सिस्टम है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है ना, तो उसकी इंट्रोपी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना बढ़ती जाती है। मतलब इंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस। अगर इसको मैनेज नहीं किया गया तो डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा। तो अगर सोचिए इकोसिस्टम फॉलो करता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, यही काम करते हैं कि ये डिसऑर्डरनेस को जो है ना क्या करते हैं, कम करते हैं। इकोसिस्टम्स में, ये सिस्टम में चल रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स भी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। इंट्रोपी बढ़ रही है सिस्टम की, डिसऑर्डरनेस ज़्यादा हो जाएगा। डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होने का क्या मतलब है, इकोसिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना कोलैप्स हो जाएगा धीरे 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 धीरे। डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी, ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, ऑर्डर नहीं मेंटेन रहेगा तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। इंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस, ठीक है। तो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। और इसीलिए किसी भी इकोसिस्टम के लिए कांस्टेंट एनर्जी की सप्लाई जरूरी है। एनी इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड नीड टू हैव अ कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई, कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई। और ये सप्लाई कहाँ से मिलती है भाई, ये सप्लाई मिलती है अल्टीमेटली सन से। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये स्टोर करते जाते हैं, बायोमास बना भी रहे हैं और ट्रांसफर भी कर रहे हैं, और इनको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। और नहीं मिलेगा अगर ना, तो पौधा आप देख लीजिए, अगर उसको धूप मिलना बंद हो जाए तो ये मत सोचिए कि अच्छा इतने दिनों से तो स्टोर करके रखा है अभी बहुत चलेगा। नो, वो क्या होना क्या होते जाएगा, डिसऑर्डर मेंटेन होने शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो रियल में सेकेंड लॉ फॉलो करता है थर्मोडाइनेमिक्स का, ठीक है। तो एंट्रोपी बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि सिस्टम जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए कांस्टेंट सप्लाई की नीड होती है इसकी, और ये जो है ना इसी चीज़ को रोकने के लिए काम करता है, जो सेकेंड लॉ फॉलो हो रहा है इसके अपोजिट में काम करता है, समझ रहे ना। टू काउंटर एक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टूवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लीनेस, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो इसका मतलब इकोसिस्टम में ये हो रहा है, और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कांस्टेंट एनर्जी की सप्लाई चाहिए इसी को रोकने के लिए, काउंटर एक्ट करने के लिए। यही क्या है, एंट्रोपी है, एंट्रोपी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ओके। द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, कितनी बार नाम सुन लिए हैं, इकोसिस्टम पहले लेक्चर से बताए आ रहे हैं। इन अ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब जो टेरिस्ट्रियल अर्थ वाला इकोसिस्टम है, अर्थ का मतलब जो धरती जहाँ पानी नहीं है, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट्स, ठीक है। हर्बेसियस मतलब जो हर्ब्स हैं, हर्बेसियस प्लांट, एंड वुडी प्लांट मतलब ट्री। लाइकवाइज प्रोड्यूसर्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर वेरियस स्पीसीज लाइक फाइटोप्लैंक्टन, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा कौन होगा, एल्गी होगा, ऑब्वियस सी बात है। एल्गी नॉर्मली आपको ओशन में सोचिए कि 99% जो ऑक्सीजन का इवन सप्लाई जो होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड कौन करता है, एल्गी करता है भाई, मरीन एल्गी, एक्चुअली मरीन एल्गी। बहुत पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, एंड दी हायर प्लांट्स। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर जो होता है हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, ओके। सिस्टम समझ में आ रहा है ना, बस ऐसे ही चलना है और कुछ नहीं चलना है। और ये एनर्जी जो होती है कैसे ट्रांसफर हो रही है पता चल गया, ओके। आगे देखते हैं भाई क्या लिखा है, एनसीईआरटी देखिए, मैं लाइन इसलिए पढ़ रहा हूँ ना कि आपका कोई चीज़ छूटे ना, पढ़ाने के लिए तो हमने जो बोल दिया कहानी ख़त्म है इसकी, सब पढ़ा दिया है मैंने, क्या होता है क्या नहीं होता, अभी बस देखते जाइए, आपको वर्ड मिलता जाएगा, आपको क्लियर होता जाएगा, हमने पढ़ा दिया है। अगर हम बहुत छोटा वीडियो रखना चाहते हैं तो कहानी ख़त्म थी अभी, ठीक है। हम आपको पढ़ा इसलिए रहे हैं पढ़ पढ़ के, ताकि कोई चीज़ छूटे ना।
यू हैव रेड अबाउट द फूड चेन, फूड चेन का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं पहले से, नहीं पढ़े हैं तो आएगा अभी आगे, फूड चेन भी पढ़े हैं और फूड चेन से ही फूड वेब बनता है और ये एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा और उसके बाद कहाँ बढ़ेगा, लास्ट में कंज्यूमर को जाता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट लेवल होते हैं। द चेन और वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी का क्या मतलब है कि प्लांट के ऊपर जो हर्बीवोर्स होता है वो डिपेंडेंट होता है और हर्बीवोर्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट होता है, जो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो इंटरडिपेंडेंसी है। और ये भी मत सोचिए कि अगर हम मतलब जो डीकम्पोजर ना रहे या हर्बीवोर ना रहे तो प्लांट को क्या दिक्कत है, नहीं भाई, प्लांट को भी चाहिए, प्लांट को भी इनकी ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि अगर हर्बीवोर या डीकम्पोजर नहीं रहेंगे तो पौधा मरने के बाद, व्हेन प्लांट डाई, ठीक है, डाई डेथ होने के बाद, यहाँ से मिनरल कौन बाहर निकालेगा, ये बताइए, मिनरल कौन बाहर निकालेगा, और मिनरल जब तक नहीं निकलेगा तो फिर से नया प्लांट ग्रो करके पूरा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये मत सोचिए कि अरे प्लांट को तो मिल रहा है खाना, नहीं भाई, खाना एक बार मिलेगा ना, लेकिन न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कैसे होगी, इसलिए इंटरडिपेंडेंसी है। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इन एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉर एवर। कोई भी एनर्जी जो ट्रैप हुई है वो अल्टीमेटली इकोसिस्टम में रिलीज हो जाएगी, क्यों, डिकम्पोजिशन जैसे ही होगा एनर्जी वहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर्स हेंस इज आइदर पास्ड ऑन टू कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्रिटस फूड चेन और वेव। डीएफसी इसको बोलते हैं, डीएफसी डेट्रिटस फूड चेन, मतलब डेट्रिटस मतलब यहाँ डेट्रीवोर्स होंगे और डीकम्पोजर्स होंगे, ठीक है, समझ रहे नहीं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है तब ये काम शुरू होता है, क्लियर है इतना, ओके। सो डिपेंडेंसी का मतलब समझ में आ गया ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और नॉर्मल कंडीशन में हम देखेंगे तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं इनके ऊपर डिपेंडेंसी किसकी है, किसकी है, कंज्यूमर्स की। जितने भी कंज्यूमर्स होंगे, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, उससे नहीं मतलब है, सारे कंज्यूमर इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये देखिए, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, क्या डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, मैंने कहा ना, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बस आपको मैं यहाँ पर रीड करवा रहा हूँ, और वहाँ पर भी कोई चीज़ आ रहा है तो फिर से बता रहा हूँ, सो दैट आपको कोई चीज़ भूले ना, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। और इनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इनको, हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स की कहानी आपको बहुत पहले से पता है। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो स्वयं खाना बनाते हैं, मतलब दे मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ, जैसे प्लांट्स हो गए, ठीक है। प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती ना, अपने चलती हैं, वैसे ही ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ट्रॉप मतलब फूड, ऑटो का मतलब सेल्फ, सेल्फ ये अपना खाना खुद से बना लेते हैं, ठीक है। हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, जैसे हम लोग हैं धूप में खड़े होकर हम खाना नहीं बना सकते अपना। अरे अपना खाना बनाने का मतलब ये नहीं कि वहाँ जाके कुकर में खाना बनाने लगो धूप में खड़े होकर, अपना खाना बनाने का मतलब है खड़े हो जाओ और बस वेट करो कि अच्छा ठीक है एनर्जी आपको मिल जाएगी, कुछ टाइम में फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, उसके बाद काम हो जाएगा। नो भैया, हमारी बॉडी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स द प्लांट दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। कहने का मतलब जो हर्बीवोर्स होते हैं, देखिए जैसे ये हर्बीवोर्स जो होते हैं दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। बहुत बार नाम ले चुका हूँ, बहुत बार समझा चुका हूँ, लेकिन आप समझते नहीं है, बस आप ध्यान देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर जो खान फीड करता है, जैसे मान लीजिए प्लांट ने, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रास है, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये खाना बनाएगा, अपने से ग्रो करेगा। अब ग्रास को गोट ने खाया, बकरी ने खाया या खरगोश ने खाया, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। या इसको हम क्या बोलते हैं, ये प्रोड्यूसर्स है, या इसको हम यहाँ बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, क्यों, क्योंकि ये आगे की चेन के लिए खाना बनाएगा। और गोट या बकरी बकरा जो भी नॉनवेज वाले हैं लोग, उनके ऊपर ये खाया, या मान लीजिए यहाँ पे रैबिट आ गया, ठीक है। अब रैबिट को चील भी खा सकता है, सांप भी निकल सकता है, बड़ा सांप है, तो यहाँ पे जो भी आएगा, चील मान लीजिए, ईगल ले लिए, ठीक है, तो इसको खाएगा ना भाई। ऐसे यहाँ पे गोट के लिए मैन आ गया, तो मैन क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर,
ठीक है। और ये फर्दर ये सबसे टॉप में आता है, तो इसके ऊपर हम नहीं कहानी बनाएंगे, आदमियों को आदमखोर खाएगा केवल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं ये चीज़? यस, यहीं पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हर्बीवोर की कहानी ख़त्म। हर्बीवोर को और क्या बोलते हैं ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यहाँ बोल रहा है ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी हर्बीवोर्स, बता दिए। सी सम कॉमन हर्बीवोर्स आर इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं कुछ, ठीक है, कुछ कुछ बर्ड जो मछलियाँ खाती हैं और चीज़ें हैं वो उनका अलग चीज़ है, लेकिन कुछ कुछ जो केवल सीड के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं प्लांट के, वो हर्बीवोर की कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे मैमल्स हैं जो हर्बीवोर्स हैं, जैसे ये गोट है ये भी मैमल है, रैबिट ये भी मैमल है, ठीक है, ये क्या है, हर्बीवोर्स हैं। डियर वो भी मैमल है, ठीक है। इन टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड दी मोलस्क्स, मोलस्क का इन्वर्टिब्रेट जब पढ़ेंगे तब उसमें एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ये सब क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, मतलब हर्बीवोर्स, क्लियर है कि नहीं? प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स आर कॉर्निवोर्स। अब हर्बीवोर को जो खाने वाले होते हैं उनको एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, कॉर्निवोर या मांसाहारी। और जो हर्बीवोर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, साग सब्जी खाते हैं ना, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, शाकाहारी। लो भैया, ठीक है, इसमें भी लोग रहते हैं, कोई शाकाहारी है तो वो हेट करता है मांसाहारी लोगों से, मांसाहारी वाले कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन शाकाहारी वाले जो होते हैं उनको हेट्रेड भी होता है बहुत लोगों को, ठीक है। अरे ठीक है भाई, सबकी अपनी फूड हैबिट्स है, इतना ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती, आपका सेंटिमेंट इससे नहीं हर्ट हो जाएगा। सब लोग एनिमल लवर होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है। सारे एनिमल लवर हैं, अभी आपको कहानी बता दें, दिल्ली की कहानी, और अभी भी न्यूज़पेपर में आया था, पता है कि नहीं, जो डॉग्स होते हैं स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स, ठीक है, जिनका ख्याल आदमी नहीं रखता है, और अगर ध्यान नहीं रखा जाए नगर निगम के द्वारा तो इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दिल्ली में केस था, एक बच्चे को दो कुत्तों ने मार डाला, अभी फिर से रिसेंट में केस आया था, वो पागल कुत्ते की बात नहीं है, छोटे बच्चे को कभी कभी वैसे ही मस्ती में मतलब नोच लेते हैं, और आइसोलेटेड प्लेस में या कहीं ऐसा एरिया जहाँ पर कोई आसपास नहीं है, ये कांड अभी ज़्यादा हो रहा है, आई डोंट नो भाई, लेकिन सुनने को मिल रहा, अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में आया था। अब ऐसे केस में मान लीजिए इन डॉग को कोई पकड़ रहा है या मार दिया, तो पता चला वहाँ पे एक एनिमल लवर आ जाएंगे, वो बोलेंगे कि भैया ये देखिए बेजुबान है, इसको मार रहा है आदमी। अरे पहले कहानी तो समझ लो, बेजुबान है हैं, और इसने बच्चे को मार दिया, तब कहाँ गया बेजुबानी भाई। तो एनिमल लवर होने का मतलब ये नहीं है कि आप ना खाली हेट्रेड करो दूसरों से, अगर किसी ने किसी को चप्पल से मार दिया, कुत्ते को कुत्ता बोल दिया, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। इफ़ यू लव दैट पर्टिकुलर एनिमल, इट्स योर सेल्फिश इंटरेस्ट। अब दूसरा एनिमल यहीं पे आ जाए, कॉकरोच, आप उसे पसंद करेंगे? दूसरा एनिमल कोई और आ जाए, रैट आ जाए, आप उसे पसंद करेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि वो आपका नुकसान करता है, आप उसे चिढ़ते हैं, आप उसको मारेंगे। चूहा आपके घर में परेशान करे, किताबें काट दे, फिर आप देखिए कहानी। तो ये ना क्या बोलते हैं, लॉप साइडेड लव होता है। लॉप साइडेड का मतलब एक तरफ क्या है, टिल्टेड है। वो कहानी हम देखते हैं स्पेशली, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बहुत सारे एनिमल होते हैं, हम उनको किस कैटेगरी में रखते हैं, वर्मीन की कैटेगरी में, ठीक है। हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसके अंदर में एक कैटेगरी है जिसमें अगर एनिमल को वर्मीन कर दिया गया तो इसका मतलब यू कैन किल दैट एनिमल। अगर वो वर्मीन की कैटेगरी में नहीं है तो इसका मतलब दैट एनिमल इज प्रोटेक्टेड। ओके, सो भाई वो आपका अपना है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, किसको कौन पसंद है किसको कौन नहीं पसंद है, आपका अपना पर्सनल है। डू नॉट ट्राई टू इम्पोज अपॉन अदर्स, ठीक है, इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। उसी का मतलब है भाई एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन का मतलब समझते हैं तो वही है एजुकेशन, अदरवाइज आप खाली लिटरेट हैं और जॉब कर रहे हैं, बस आप एजुकेटेड नहीं हैं। तो इस बात को भी समझिए थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पॉलिटिक्स पे मत आ जाइएगा कि पॉलिटिक्स चल रही है, नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, एथिक्स है ये, क्या है ये, एथिक्स है, इट्स नॉट पॉलिटिक्स, एथिक्स। और आप एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करना जो होता है ना, ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, फॉलो करके देख लीजिए फिर पता चलेगा, ठीक है। सो बायस्ड मत रहिए, आप लोग बायस्ड हो जाते हैं, आप लोगों का मतलब बहुत लोग ऐसे लोग हैं। सो ये कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो यहाँ पे बोला क्या गया है इसको, प्राइमरी कॉर्निवोर्स, कौन प्राइमरी कॉर्निवोर हैं, जो हर्बीवोर को खाते हैं, ठीक है। दो ये क्या है, सेकेंडरी
कंज्यूमर्स हैं। क्यों? क्योंकि हर्बीवोर ही पहला कंज्यूमर है, हमने पहले ही बताया था। दिस इज दी प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज दी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसी को कॉर्निवोर भी बोला। ऐसे आदमी जो होता है वो क्या होता है, ओमनीवोर होता है एक्चुअली, क्योंकि हम भाई साग सब्जी भी खाते हैं, पालक भी खाते हैं, गोभी भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। रियल में जो कॉर्निवोर है, अगर हम कॉर्निवोर की बात करते हैं तो रियल में क्या है, जैसे लायन है, ठीक है, टाइगर है, ठीक है, ये सब क्या है, कॉर्निवोर है, भेड़िया है, सब कॉर्निवोर है। क्लियर है? सेकेंडरी प्राइमरी बस नाम है, मीनिंग ये समझ में आ गया। तो स्टेप में कितना पीछे जा रहा है, कितना आगे है, किसके पास है, उसी के बेसिस पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऐसे लेबलिंग हो रही है। क्लियर है कि नहीं? अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन जिसको जीएफसी बोल रहे हैं इज डिपिक्टेड बिलो। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा? ग्रेजिंग का मतलब जो ये एनिमल यही वाला जो दिख रहा है ना, दिस इज द ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब इसमें घास फूस पे लोग डिपेंडेंट होते हैं नॉर्मली, ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन में अभी इसमें डिकम्पोजर्स का रोल नहीं आया है, डिकम्पोजर्स का रोल नहीं आएगा। अगर वो आ जाएगा तो डीएफसी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या, डेट्रिटस फूड चेन। ओके, समझ रहे हैं कि नहीं? जीएफसी नॉर्मली वो ग्रेजिंग होता है। चलिए ये कहानी क्लियर हो गई, अब डीएफसी में आ जाते हैं। डीएफसी बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये यहीं से शुरू ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नाम में ही छुपा है डेट्रिटस, तो डेट्रिटस मतलब जो लिटर है, ठीक है, कूड़ा कचरा है, पत्ती है, ब्रांचेज हैं, या अदर एनिमल का मतलब बॉडी है, वो डेट्रिटस है। इट इज मेड अप ऑफ डीकम्पोजर, इसमें जो मेन एलिमेंट होता है, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं फूड चेन में, वो कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, या फ्लैजलेट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, दे कैन नॉट मेक देयर फूड्स, ठीक है, मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया। याद रखना है भाई ये सब जो जो पॉइंट हम हाईलाइट कर रहे हैं और समझा रहे हैं, इम्फेसाइज कर रहे हैं, याद रखना है, समझ रहे हैं ना। और ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, इन्हीं से, जो लीटर है ना, यहीं से एनर्जी क्या लेते हैं ये, इस पे फीड करने का मतलब क्या भाई, खाना है उनका ये, और खाने से एनर्जी ले लेते हैं, बाकी फूड जो है डिग्रेड हो जाता है, बाद में वो मिनरल जो है रिलीज हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये अपनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल करते हैं, डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस, दीज आर ऑल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रो का मतलब होता है डीकम्पोज कराना या टू डीकम्पोज, तो ये क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स नाम सुन लिया, ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स, समझ रहे हैं नहीं? तो इसका मतलब ही क्या होता है इन जनरल, सेप्रोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है भैया, ये डेड डिकिंग मटेरियल पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, दे आर डीकम्पोजर्स ओनली। सो ये कैसे करते हैं, ये एक्चुअली में एंजाइम रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक मटेरियल को ना ब्रेक करता है, ठीक है, ये देखिए, दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स विच आर सबसिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय देम, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करेंगे और बाकी सॉयल में रिलीज हो जाएगा, जिसको प्लांट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम क्या करेगा, अपटेक करेगा एज अ न्यूट्रिएंट। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये टेरिस्टल की बात हो रही थी, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग फूड चेन हो जाए ना, वो मेजर कॉन्डुइट होता है एनर्जी फ्लो के लिए। कहने का मतलब वहाँ पे भी डीकम्पोजिशन होता है, लेकिन कंपेरेटिवली वहाँ पे कम होता है, लेकिन जो टेरिस्टल इकोसिस्टम होता है वहाँ पे कौन मेन रोल प्ले करता है एनर्जी ट्रांसफर का, डीएफसी, समझ रहे हैं ना, डीएफसी। एक्वेटिक में जीएफसी काम करता है ज़्यादा, ठीक है, एज अगेंस्ट इन टेरिस्टल इकोसिस्टम अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द डेट्रिटस फूड चेन, देख रहे हैं ना, ये डीएफसी है, डीएफसी। तो टेरिस्टियल इकोसिस्टम में डीएफसी मेन कंडोइट होता है, और अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो कौन है, जीएफसी मेन है, यही ध्यान रखना है, ठीक है। डेट्रिटस फूड चेन में भी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल, तो कनेक्शन तो होगा ना भाई, ग्रेजिंग फूड चेन हो गई, ये देखिए, दिस इज दी ग्रेजिंग फूड चेन ओनली, एक सेकेंड, दिस इज दी ग्रेजिंग फूड चेन। अब यहाँ पे मैन डाई अगर हो गया, चलिए मैन को नहीं डाई करते हैं, यहाँ पे लायन को डाई करा देते हैं, या हमने टाइगर को डाई करा दिया, नहीं मर गया तो मरने के बाद क्या होगा भाई, ये मरेगा, या यहाँ पे डॉग है, अगर सपोज डॉग भी ऐसे ही खाते हैं ना किसी चीज़ पे, तो डॉग ये सब मरे, तो मरने के बाद क्या होगा, इनका डिकम्पोजिशन होगा कि नहीं, डिकम्पोजिशन होगा ना,
तो इनकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट इकट्ठा हुआ है वो भी तो रिलीज होगा। तो जैसे ही डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हुआ, इसका मतलब डीएफसी चेन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये ग्रेजिंग फूड को लिंक करने का भी काम करता है, ग्रेजिंग फूड को लिंक करने का काम करता है। तो इसका मतलब किसी न किसी लेवल पे दे आर लिंक्ड विद ईच अदर या लिंक टू ईच अदर। ठीक है, डेट्रिटस फूड चेन मे बी कनेक्टेड विद ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल्स। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डीएफसी आर प्रे टू द जीएफसी एनिमल। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे डेट्रीवोर्स घूम रहे हैं सॉयल में, यहाँ पे सॉयल में ठीक है डेट्रीवोर्स घूम रहे हैं। ठीक है, डेट्रीवोर्स में जैसे इंसेक्ट हो गए और केचुआ वगैरह पड़े थे ना, अब इसको क्या कोई नहीं खाता है? इसको यहाँ से कोई चिड़िया आई, बर्ड उड़ के इसको उड़ा ली, खा लिया, तो इसका मतलब कनेक्शन हो गया ना। बर्ड किसका पार्ट है? बर्ड जीएफसी का पार्ट है भाई, ग्रेजिंग फूड चेन का। और ये खा कहाँ से रही है? डेट्रिटस को खा ले रही है, डेट्रीवोर्स जो है उनको दबा ले रही है। ठीक है, डेट्रीवोर्स, तो यहाँ पे हो गया ना कनेक्शन। तो यही कह रहा है भाई, ये लाइन यही बोल रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं डीएफसी के जो कि प्रे होते हैं किसके लिए? जीएफसी एनिमल के लिए। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं हम। एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कॉकरोचेज हो गया, जैसे ये ना सम एनिमल लाइक कॉकरोचेज, ठीक है, कॉकरोचेज हो गए, क्रोज हो गए एटसेट्रा, और ओमनीवोर। कॉकरोच भी ओमनीवोर होता है, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। कौआ भी ओमनीवोर होता है, मतलब ये सीड भी खा लेगा, दाना भी खा लेगा जरूरत पड़ने पे, और चूहे को भी खा लेगा, किसी मांस को भी दबा लेगा धीरे से। ठीक है, इंसेक्ट को भी खाएगा, कॉकरोच भी यही करते हैं, कॉकरोच आर ओमनीवोर। ठीक है, ठीक है, दिस नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक द फूड वेब। तो फूड चेन का मतलब होता है जैसे ए से शुरू हुआ बी गया, बी से शुरू हुआ सी गया, सी से डी गया, दिस इज चेन, सिंगल चेन, सिंगल और सिंपल, सिंगल एंड सिंपल क्या है? चेन है। किसकी चेन है? फूड की। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। लेकिन अगर इसी चेन में कनेक्शन आ गया, मान लीजिए बी को और कौन खा रहा है? बी को यहाँ पे ई खा लिया, ठीक है, ई को और कौन खा लिया? ई को एफ खा लिया, ठीक है, और ई को कौन खा लिया? जी भी खा लिया, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए कि सी को खाने वाला एक और पैदा हो गया, एफ जी एच आ गया। ठीक है, तो ये पूरा देख रहे हैं नेटवर्क ना, नेटवर्क। और ये एफ जो है ये इसको भी खाता है सपोज, ये एफ जो है इसको भी खाता है सपोज, तो ये पूरा देख रहे हैं ना नेटवर्क बन रहा है। क्या बन रहा है? नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब हिंदी में क्या होता है? जाल, जाल दी ट्रैप, सनी देओल की मूवी भी है। ठीक है, तो नेटवर्क बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फूड चेन से नाम दे देते हैं क्या? वेब का। ये वेबसाइट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाता है? फूड का वेब, फूड का जाल, मतलब इंटरकनेक्शन शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है? इंटरकनेक्शंस। कहानी समझ में आई कि नहीं भाई? स्टोरी बननी चाहिए, और जितने भी वर्ड हैं, जितने भी चीजें हैं, वो सब जो है क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया? ओके, नेचर में हमको ये वाला कहानी नहीं दिखता है जल्दी। सिंपल फूड चेन जो होता है ना, ये नहीं देखने को मिलता है हमेशा नेचर में। नेचुरल सिस्टम में हमको नेटवर्क ही दिखेगा, मतलब फूड वेव दिखेगा, फूड चेन नहीं दिखता है, मतलब इंडिविजुअल या सिंगल या सिंपल चेन नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ना बड़ा वल्नरेबल होता है। कहने का मतलब, अगर इस वाले प्राणी को यहाँ से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, मान लीजिए बी को हमने एलिमिनेट कर दिया किसी भी रीजन से, अब सी जो है बी को बिना खाए एनर्जी नहीं मिलती, सी डायरेक्टली इस पे फीड नहीं कर पाएगा, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वल्नरेबल सिस्टम होता है, इसलिए फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ में आया कि नहीं? ओके, कहानी क्लियर हुई इतनी? ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब ऐसे आपको फोटो दिखाया है जो, ठीक है। अब यहाँ पे और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमको लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम पे हम यहाँ पे और कॉन्सेप्ट समझेंगे थोड़ा। आज ये वाला टॉपिक लेवल का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे क्या बोलते हैं, या तो हम इसी के साथ समझाएं आपको टॉपिक लेवल। जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है ना, पिरामिड में ही हम टॉपिक लेवल की बात करेंगे, तब मज़ा आएगा। ठीक है, तो फूड वेब और फूड चेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? आ गया कि नहीं कॉन्सेप्ट? तो इतना समझ में आ गया। तो अगले चैप्टर में जब हम आपको ये समझाएंगे ना इकोलॉजिकल पिरामिड, इसी से लिंक करके ये चीज़ें हम बताएंगे कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, बायोमास क्या होता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे हम क्या समझ जा रहे थे? एनर्जी फ्लो को। ठीक है,
तो इसी के साथ हम ये समझाएंगे, अदरवाइज अभी मुझे लग रहा है ना कि ये जो है कहानी जो है लंबी हो जाएगी, कहानी लंबी हो जाएगी और फिर वीडियो भी बढ़ जाएगा। कितना सही टाइम हुआ इसमें देखते हैं जरा, 39 मिनट पहुंचने वाला है। ठीक है, तो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग। क्लियर है कि नहीं? स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग।